बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वेलकम बैक टू माय किचन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बना रहे हैं एक गोश्त की ही रेसिपी है, कोफ्ते यानी मीट बॉल्स, तो यकीनन सबको पसंद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, मिलके बनाते हैं, चले आ जाएं। जी तो व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कोफ्तों के लिए, आइए। जी व्यूअर्स, इसके लिए हमने कीमा लिया है। कोशिश कीजिएगा कीमे में जो है वो उसकी फैट्स रिमूव मत कराइएगा, चिकनाई साथ में होनी चाहिए, उससे बाइंडिंग अच्छी रहती है कोफ्तों की। और कोफ्तों के लिए लिया है क्योंकि यहाँ पे यूएई में जो है खशखाश पर पाबंदी है, खशखाश नहीं मिलती है। पाकिस्तान में तो हम लोग खशखाश डालते हैं, तो यहाँ पे खशखाश के बदले हम बेसन डालेंगे इसमें, और गरम मसाला डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे प्याज पीस कर। ये प्याज हमने पीस के रखी है, ये अंदर डालेंगे कोफ्तों में। और इसके अलावा जो है हरे मसाले के लिए ये पुदीना जाएगा, अदरक जाएगी, हरे मसाले में प्याज जाएगी। और ग्रेवी के लिए हमने लिए हैं टमाटर, लेंगे 2 अदर टमाटर लिए हैं, 2 प्याज ले लेंगे इसके लिए। और ये मसाले हैं इसके स्पाइसेस ग्रेवी के लिए, हल्दी है तकरीबन 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हमने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। और ये साबुत गर्म मसालों में जाएगा इसमें दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 काली मिर्चें, छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची। वो जो हरा मसाला बनेगा कोफ्तों के लिए उसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी, तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें हैं, पुदीना है इसके अंदर भरने के लिए ना हरा मसाला, अदरक है, प्याज है, ठीक है। और ये जो है ये मसाले, ये हम पहले बनाएंगे कोफ्ते। और ये हमने 2 अंडे बॉईल कर रहे हैं। व्यूअर्स, कोफ्ते जो हैं हमारे अम्मी के ससुराल में बनते हैं अंदर, उसके वो भर के हरा मसाला भर के कोफ्ते बनाते हैं, क्या हमारे मैके में बनते हैं वो उसमें मिक्स कर लेते हैं, उसको आप चॉप कर लें कीमे को और उसके बाद उसमें हरा मसाला मिक्स कर लीजिए, जबकि अंदर उसमें हमारे ससुराल में जो बनाते हैं वो कीमे के अंदर, कीमे को हाथ में लेकर उसके अंदर हरा मसाला भर के, हरे मसाले को भर के फिर उसको गोल बॉल की शक्ल दे देते हैं। और एक होता है नरगिसी कोफ्ते, उसको क्या करते हैं कि आप अंडा बॉईल करके उसके ऊपर आप कीमे की कोटिंग कर लेते हैं। तो हमने 2 अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए, आपको दिखाएंगे कि नरगिसी कोफ्ते कैसे बनते हैं। चलें हम कोफ्तों के लिए कीमा पीस इससे अंदर से आपके कोफ्ते जो है सॉफ्ट रहते हैं और बाइंडिंग अच्छी रहती है। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप ले लीजिए प्याज, इसमें जाएगा ये बेसन, नमक, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर। और इसमें 1 चम्मच हम दही डालेंगे, दही से भी कोफ्ते बड़े अच्छे सॉफ्ट बनते हैं अंदर से। तकरीबन 1 चम्मच हमने दही डाल दिया, अब इसको हम पीस के चॉप कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं प्रेशर में। इसमें लेमन ले,
बना रहे हैं खाना मसाला, उसको हम ग्राइंड कर रहे हैं इसके अंदर, प्याज अदरक और हरी मिर्चें और पुदीना। बारीक चॉप कीजिएगा इनको। ये हमारे कोफ्ते का कीमा भी पिस गया है और खाना मसाला भी पिस गया है। अब हम बनाएंगे ग्रेवी के लिए बस प्याज और टमाटर का पेस्ट। जी गाइस, हमने ग्रेवी के लिए हमने ऑयल डाल दिया है, इसमें हमने टमाटर और प्याज का जो उसको ब्लेंड कर लिया है, टमाटर प्याज और दही। अब ये डाला है इसके अंदर, बिस्मिल्लाह बन रही। और सारे स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए। जी व्यूअर्स, हरा मसाला तैयार हो गया हमारा। यहाँ पे जो है मसाला बन रहा है इसके लिए, कोफ्तों की ग्रेवी के लिए। और इन द मीन टाइम हम कोफ्ते बना लेते हैं। ये हरा मसाला हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे कीमे के अंदर। हाथ हमने धो लिया अच्छी तरह से। पुराने वक्तों में तो सिलबट्टे में बनते थे ये चीज़ें, कोफ्ते कबाब वगैरह, अम्मियाँ दादियाँ सब लोग ये लोग सिलबट्टे में पीसती थी, और उसका जो टेस्ट होता था वो, अब हम मशीनों में बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट उसका होता था, उन लोगों को वो टेस्ट नहीं आता है जो सिलबट्टे में आता था। मसाला भी सिलबट्टे में पीसता था और कबाब का उनका कीमा भी सिलबट्टे में पिसता था, कोफ्ते का भी सिलबट्टे में पिसता था। अब तो मशीनों ने अब ज़िंदगी आसान कर दी है, झटपट आके हर चीज़ तैयार हो जाती है, लेकिन जो टेस्ट उन चीज़ों में था देसी चीज़ों में, वो इन चीज़ों में मशीनों में नहीं है। ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से क्रीमे में, देखिए हरा मसाला। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथ के लिए करते ये ले लीजिए हाथ में, और इसको पहले हाथ के लिए करेंगे दोनों, उसके बाद इसका जितने साइज के आपको बनाने हैं वो आप कोफ्ते तैयार कीजिए। देखिए जब मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाह, गोल गोल बॉल्स बना लीजिए इसकी। हम बताएंगे नरगिसी कोफ्ते कैसे बनते हैं। कीमा लेकर हाथ पे, ये देखिए कीमे को हाथ पे फैला लीजिए, और इसके बाद जो बॉयल अंडे हैं, अंडे बॉयल किए थे वो इसके अंदर रखिए, और ऊपर से इसको रैप कर दीजिए अच्छी तरह से, इसको रैप कर दीजिए। ये आपके बन गए नरगिसी कोफ्ते। ये बन गया आपका नरगिसी कोफ्ता और वो सिंपल वाले कोफ्ते। हमारे यहाँ वैसे नरगिसी कोफ्ते नहीं बनते, सिंपल वाले कोफ्ते बनते हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको बताने के लिए ये हम दो बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। ये
ये अंडा लिया और इसके अंडे के प्रोसेस को तेल में अच्छी तरह से रैप कर दिया। ये बन गए आपके नरगिसी कोफ्ते। वापस सारे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, मसाला भून जाएगा तो मैं इसको डालती हूँ। देखिए हमारा मसाला भून गया अच्छी तरह से। अब इस स्टेज पे हम जो कोफ्ते बना के रखे हुए हैं ये इसमें डाल देंगे। साथ रहिएगा, ये कोफ्ते जा रहे हैं इसके अंदर, इसमें डालेंगे। पहले इसमें हम शोरबा डाल देते हैं। इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे, हम क्या कोफ्ते पकते रहेंगे। जितना आपको ग्रेवी रखनी है आप उसके हिसाब से उसमें पानी डालिएगा, कोफ्ते डाल दें इसके अंदर और उसके बाद आप उसको चलाइएगा नहीं वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। बस इनको हल्की आँच पे आप अपने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप कम से कम चलाइए इसको, आप ऐसे ही पतीले को ऐसे हिला दीजिए ताकि कोफ्ते जो है अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए और इसको हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ दीजिए। बस ये पकते रहेंगे हल्की आँच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ही जो है अंदर से ही पक जाएंगे अच्छी तरह से, तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश ऑफ कर लेंगे। जी व्यूअर्स, कोफ्ते हमारे रेडी हैं। 15-20 मिनट तक ये हल्की आँच पर पक रहे थे, अब इसका रोगन भी ऊपर आ गया है और ये तैयार हैं। अब हम इसको डिश ऑफ करेंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे इसमें हरा धनिया और गरम मसाला। आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखिए ये है फाइनल लुक हमारी इसकी कोफ्तों की। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरा धनिया, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल टूटे नहीं हैं, ये देखिए। और आपको दिखाते हैं नरगिसी कोफ्ता। नरगिसी कोफ्ता कहाँ गया, ये आ गया नरगिसी कोफ्ता, ये भी देखिए बिल्कुल नहीं टूटा है, बड़े अच्छे तैयार हुए मज़ेदार। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया, ये हमने काट के धो के रखा हुआ है, चला क्या इसके अंदर। अब डिश आउट कर रहे हैं, उसमें फिर ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला। आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। जी व्यूअर्स, देखिए मज़ेदार कोफ्ते हमने रेडी कर दिए हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखी हमारे कोफ्ते की रेसिपी, यकीनन पसंद आई होगी आपको और आप ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। कभी कभी अपने लिए भी दावत कर लिया करें, अपनी भी अपने लिए भी दावत के लिए कुछ बना के घर में और उसको खाया करें और मज़े किया करें। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी, कैसे बने आपके कोफ्ते। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।